भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो के कार्यक्रम पर बर्बरतापूर्ण हमला पश्चिमी बंगाल में हुआ है। हम सब इसकी निंदा करते हैं। पश्चिमी बंगाल के अंदर की अराजकता को ये प्रदर्शित करता है। चुनाव आयोग को ये सब बातें देखनी चाहिए। इस बर्बरतापूर्ण हमले के बारे में पहले से भी जो चीज़ें वहाँ चल रही थी, चुनाव आयोग के संज्ञान में अवश्य रहा होगा। हमारी मांग है कि एक तो बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और ये सत्ता प्रायोजित गुंडागर्दी है, सत्ता प्रायोजित अराजकता है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से बंगाल के अंदर की अराजकता को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पश्चिमी बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। हम लोग मांग करेंगे कि वहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए या वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए।